हम थोड़ी बात करने वाले हैं कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं। तो अगर आपको इज्जत चाहिए, आपको महत्व चाहिए, आपको अटेंशन चाहिए, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। इसके बाद लोग आपकी बहुत इज्जत करेंगे, सच बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ, झूठ कुछ भी नहीं होगा। और बहुत ही दिल से दिल वाली बात करूँगा, समझ में आए तो अच्छे से सुनना और समझ के उसको अप्लाई ज़रूर करना। क्वेश्चन क्या होता है ना लोगों का कि लोग मेरे को अटेंशन नहीं दे रहे हैं, लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं, लोग भाव नहीं दे रहे हैं, और बहुत बुरा फील होता है कि समाज में, ग्रुप में एक ऐसा इंसान है जिसको इज्जत पे इज्जत मिल रही है, लेकिन दूसरे और हमें कि हमें कोई महत्व ही नहीं दे रहा, हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, लोग हमारी बातों को सुनकर टाल देते हैं, लोग मजे लेते हैं, हमारे मजाक उड़ाते हैं, और हम कुछ भी कहते हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता, बस चार लोग मिलेंगे हमारी बेइज्जती करेंगे और हमें बहुत बुरा फील होता है। पर हम क्या करें, बेइज्जती छुपाने के लिए उन्हीं में हंस देते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ आपके साथ कहीं ना कहीं हो रही होगी। तो मैं इसी पर बोलने वाला हूँ, इसी पर तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ मेरे भाई, कि हम जो हैं इंसान वो इज्जत के पीछे इतना क्यों भागते हैं। इज्जत क्या लोग अगर तुम्हें देंगे तभी तुम्हारी इज्जत है? क्या ये सच है कि लोग अगर तुम्हें इज्जत देंगे तभी तुम इज्जत वाले इंसान हो, अदरवाइज नहीं हो? क्योंकि लोग तो उनकी भी इज्जत करते हैं जिनके पास सिर्फ पैसा है, लोग तो पावर की भी इज्जत करते हैं, तो क्या वो इंसान इज्जत के लायक है? नहीं, या इंसान से जुड़ी जो चीज़ें वो इज्जत के लायक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पापा के पास बहुत पैसा होता, बहुत अमीर होते, तो मैं भी अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमता, BMW, ऑडी, और अच्छे अच्छे क्लासिक कपड़े पहनता, लोग मेरे को इज्जत देते क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास गाड़ी है बड़ी बड़ी, लोग मेरे को इज्जत देते। तो क्या सच में मैं इज्जत के लायक हूँ, या मेरे पापा, या मेरे पापा के पैसे इज्जत के लायक हैं? जो सीधी बात है वो ये है, सच्चाई, कि जो मेरे पापा हैं वो इज्जत के लायक हैं, उनसे जुड़े पैसे इज्जत के लायक हैं, मेरी गाड़ी इज्जत के लायक है, मैं इज्जत के लायक नहीं हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मुझसे जुड़ी हैं, इसलिए लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि कभी भी इस चीज़ से अपने आप को जज मत करो कि मेरे को इज्जत नहीं मेरी, इसलिए मैं इज्जत के लायक नहीं हूँ, क्योंकि कोई इंसान तुम्हें इज्जत देने के लिए नहीं बैठा। लोग किसी इंसान की इज्जत नहीं करते हैं, लोग किसकी इज्जत करते हैं? पैसे की इज्जत करते हैं, पावर की इज्जत करते हैं, और उनका अगर कोई मकसद होता है, मतलब होता है, उसकी इज्जत करते हैं, और सेल्फिश हैं तो अपनी सेल्फ, उसकी इज्जत करते हैं, जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है, उनको घंटा लेना देना नहीं है कि तुम इज्जत के लायक हो या नहीं हो। और क्यों तुम्हें कोई इज्जत देगा, मुझे ये चीज़ बताओ, क्यों तुम्हें कोई इज्जत देगा? तुम इतने पागल क्यों हो फिरते हो कि लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं, लोग भाव नहीं दे रहे? क्यों, क्यों लोगों को ठेका ले रखा है तुमने कि लोग तुम्हें भाव देंगे? क्या लेना देना है, कोई भाव दे रहा है नहीं दे रहा, आज को देगा कल को नहीं देगा, और पूरी दुनिया तुम्हें क्यों भाव देगी मेरे भाई? लोग अपने अपने उसमें खोए हुए हैं, उनको जहाँ मतलब है वहाँ जा रहे हैं, मतलब पूरा है, निकल रहे हैं, लोग ऐसे ही हैं। लोगों को गाली देना कि लोग ये हैं, लोग वो हैं, वो छोड़कर चला गया, वो बदतमीज है, वो बेवफा है, वो ऐसा है, दोस्ती तो छोड़कर चला गया, दोस्त के नाम पे कल, जो जैसा भी हो वैसा है भाई, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुम क्या हो, तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि वो इज्जत नहीं दे रहा है? ऐसा नहीं है कि तुम इज्जत के लायक नहीं हो इसलिए लोग इज्जत नहीं दे रहे, बस बात ये है कि तुम समाज के तौर तरीके पे फिट नहीं हो रहे हो, तुम लोगों के तलवे नहीं चाटते हो, लोगों को बहुत ज़्यादा उन पे मक्खन नहीं मारते हो, इसलिए लोग तुम्हें भाव नहीं दे रहे हैं। मीठी मीठी बातें करोगे, बहुत सारी बातें करोगे, लोगों का टाइम पास करोगे, लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे, तुम्हें अटेंशन देंगे, उन पे पैसे उड़ाओगे, तुम्हें अटेंशन देंगे, तुम बहुत अगर खूबसूरत होगे दिखने में, लोग तुम्हें अटेंशन देंगे, और बस इसी चीज़ की अटेंशन है, और बाकी अंदर से क्या, कौन देख रहा है दुनिया वाला, ठीक है? तो इस चीज़ से अपने आप को आहत करना बंद कर दो कि लोग मुझे अटेंशन नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ, ये सवाल तुम्हारे अंदर आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं है, मुझे कोई भाव नहीं देता, मत दे भाई, मत दे, मुझे चाहिए नहीं तो उससे भाव, कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन दिक्कत यही है ना कि हमें फ़र्क पड़ता है, और ये ऐसा नहीं कि मैं अभी कल रात से ही बदल गया कि नहीं अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा लोग इज्जत देंगे कि नहीं, ये बहुत बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तुम धोखे खाते हो, तुम्हें समझ में आता है कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लोग किसको भाव दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे, मुझे ही फ़र्क पड़ता था यार, वो ऐसा कह दिया मेरे बारे में, वो मेरे जोक्स पर हंसा नहीं, वो उसने मेरे पे मजाक कर दिया, चार लोगों ने मेरी बेइज्जती कर दिया, मैं कर लो बेइज्जती आके कर लो बेइज्जती, दिक्कत हो गई तो फिर तो तुम गए, और अगर मजाक में करो तो कर लो, मेरे बाप का ख्याल हो गए, ये चीज़ होनी चाहिए भाई। ऐसे ऐसे दुनिया चलती है, कोई तुम्हें भाव देने के लिए नहीं बैठा, ठीक है? मैं तुम्हें 10 चीज़ें बता दूंगा, मक्खन मारना सिखा दूंगा, तुम्हें लोग दे देंगे अटेंशन, कब तक दे देंगे, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, साल महीना, 6 महीना, साल भर दे देंगे अटेंशन, उसके बाद क्या, जिंदगी तो बहुत लंबी है ना मेरे भाई, जिंदगी में तो बहुत आगे तक जाना है ना, तलवे चाट के जिंदगी निकाल दोगे क्या? और अगर यही तुम्हारा प्लान है तो फिर कर लो, ये भी कर लो, बड़ी बड़ी बातें करो लोगों के साथ, उन पे पैसे फूको, तुम्हें बहुत अटेंशन दे देंगे, लेकिन ये इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना। अगर अंदर से कोई दिक्कत है तो अंदर से ही होगी ना, बाहर से क्रीम लगाने से तो सॉल्व नहीं होगी ना, लोशन लगाने से सॉल्व नहीं होगी ना, दवाई तो अंदर से खानी पड़ेगी ना। अगर कोई अंदर का बहुत बहुत डीप अगर कोई तुम्हें प्रॉब्लम है तो ये चीज़ होती है, प्रॉब्लम को पकड़ो, उसको सॉल्व करो। दिक्कत ये नहीं कि लोग तुम्हें अटेंशन दे नहीं रहे, दिक्कत ये है कि तुम अपने आप को जज कर रहे हो कि तुम कहीं ना कहीं
हो ही नहीं, उस लायक ही नहीं हो, तुम इंसान ही अच्छे नहीं हो, तुम में कोई अंदर कमी है, तुम ये सोच रहे हो, ठीक है। चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या नहीं कहेंगे, इज्जत दे रहे हैं इज्जत नहीं, ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो उसको सुधारो। लोग इज्जत नहीं दे रहे, इससे क्या लेना देना, इज्जत दे रहे नहीं दे रहे वो अलग चीज़ है। तुम्हें लगता है कि तुम अंदर से कंप्लीट नहीं हो, तुम्हें अपने आप को बढ़ाने की ज़रूरत है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है, तो उसको सुधारो। जो चीज़ कमी है, जो लैक करी चीज़ें, उसमें इंप्रूव करो। ये इज्जत से तो कोई लेना देना नहीं होगा इसका, और ये बात में बहुत बुरी लग रही होगी कि तो क्योंकि तुम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है। दिक्कत ये ना इंसान की कि इंसान वो नहीं मानता है कि उसके अंदर कोई कमी है। इंसान तमाम 10 चीज़ें गिनवा देगा। मैं अच्छे से बात नहीं करता, मैं लोगों को जो बोलता हूँ उनको समझ नहीं पा रहा, ये मैं कभी नहीं बोलूँगा। लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं, लोग मेरी बेइज्जती करते हैं, लोग मेरे कर्म है बेइज्जती करवाने वाले, मैं ये कभी नहीं बोलूँगा। तो यही चीज़ होती है मेरे भाई, अगर तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत है, अगर तुम इतने काबिल नहीं हो कि लोगों को मुंह पे जवाब दे सको, तो लोग तुम्हें बेइज्जती तुम्हारी करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। और अगर तुम्हारे अंदर सच में तुम्हारे काम में दम नहीं है, तो लोग तुम्हारे काम के रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये सिंपल फैक्ट है, तुम्हारे काम में दम होना चाहिए, तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए, उसके बाद लोग इज्जत दे ना दे, तुम्हें इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा भी नहीं। जो लोग कहते हैं ना लोग मुझे इज्जत नहीं दे रहे, वो सच में इज्जत के लायक नहीं है और वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इस वजह से उनको दिक्कत होती है। जिनको सच में, जिनको पता है ना कि मैं हूँ कुछ समाज में, मैं हूँ कुछ, उसका तो उनको घंटा लेना देना नहीं है कि लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे, इज्जत दे रहे हैं नहीं दे रहे। और लोग कहते हैं ना वो इंसान प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार, दिक्कत ही उन्हें होती है जिनको लगता है कि यार मुझे, मैं हूँ ही नहीं प्यार के लायक, उनको दिक्कत होती है कि लोग मुझे प्यार क्यों नहीं करें, क्योंकि उनको सेल्फ डाउट होता है कि क्या मैं सच में प्यार के लायक नहीं हूँ क्या। नहीं नहीं, फिर बोलते हैं नहीं नहीं हूँ यार, क्यों लोग मुझे प्यार नहीं करें। और अगर तुम सच में प्यार करवाने के लायक हो कि लोग तुम्हें प्यार करेंगे, टेंशन देंगे, इज्जत देंगे, सब करेंगे, ठीक है, तो दिक्कत यही है। जिस दिन अपने आप में कुछ बन जाओगे, उस दिन लोग भी तुम्हें बहुत कुछ मानने लग जाएंगे, और जिस दिन तुम बन गए ना, उस दिन तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि लोग क्या है क्या नहीं है। तुम अपने आप में इतने मगरूर हो जाओगे कि लोगों से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है चीज़ें? इज्जत के पीछे मत भागो, अपने पीछे भागो, अपने लिए कुछ काम करो, अपने लिए कुछ बन के दिखाओ, फिर लोग इज्जत भी देंगे, लोग सब कुछ देंगे। मैं ये नहीं कह रहा इज्जत मिलेगी इस वजह से काम करो, नहीं, तुम्हें खुद में खुशी होनी चाहिए, उसके बाद सब सही हो जाएगा। खुद से खुश रहोगे, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे उसे तुम्हें घंटा लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत बहुत हार्ड है समझने के लिए, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आएंगी, लेकिन जिन लोगों को समझ में आई होंगी वो समझ गए होंगे। और अगर तुम्हें समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, जाते जाते कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, कमेंट करके ज़रूर जाना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करते हैं उन लोगों के साथ जो कि आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो कि आपके जैसे हैं, ठीक है। सबको शेयर करने की जरूरत भी नहीं है, जो कि एटलीस्ट एक बंदा तो आपके जैसा होगा ना, जो समझता होगा कि यार क्या करें, हम ऐसे ही हैं, हमें कोई इज्जत नहीं दे रहा, हम ऐसे वैसे, तो सेल्फ डाउट में उनको वीडियो जरूर शेयर करना। और आई होप कि तुम्हें कोई वैल्यू मिल पाई होगी, और अगर मिल पाई है तो मुझे बहुत खुशी हुई, और धन्यवाद तुमने यहाँ तक वीडियो देखी।